क्या वाकई में 2000 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं? क्या फिर से वापस आएंगे 1000 रुपए के नोट? क्या फिर से लोगों को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलने वाले हैं इन्हीं सारे तमाम सवालों के जवाब। जैसा कि आपने देखा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से 1000 रुपए के नए नोट आने वाले हैं और 2000 रुपए के नोट वापस जाने वाले हैं। वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये ही बैंक में जमा करने की इजाज़त होगी और वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए, यानी कि 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर ही आपके पास जो 2000 रुपये के 50,000 आप जो है 2000 के नोटों की शक्ल में आपने जो 50,000 रखे हैं उनको जमा कर पाएंगे। 50,000 से ज़्यादा अगर आपके पास है तो वो जो है रद्दी के बराबर होगा, यानी कि वो बैंक भी नहीं लेगी और ना ही वो लीगल रहेंगे, तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा। इसलिए 2000 रुपये के ज़्यादा नोटों को अपने पास नहीं रखने के लिए इस वीडियो में कहा गया है। इस वीडियो ने उन सभी लोगों की टेंशन बढ़ा दी है जिनके पास ये मैसेज पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इसकी सच्चाई बताने वाला हूं सबूत के साथ। और अगर ये सबूत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB से हो तो कैसा रहेगा। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा जानकारी आज आपको मिलने वाला। मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है इस वीडियो में। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हो गए हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनके पास 2000 रुपये के नोट उन्होंने बचा रखे थे कुछ। ये लोग उनके पास जाकर उनको कह रहे हैं कि आप जो है ये 2000 का चक्कर में मत पड़ो, ये 2000 हमें दे दो, इसके बदले में हम आपको 500 के नोट दे दे रहे हैं, 500 के 3 नोट दे दे रहे हैं, आप हमें 2000 दे दो, यानी कि 500 अपना यहाँ पर प्रॉफिट, या तो फिर 1700-1800 रुपये हम दे दे रहे हैं, आप हमें 2000 के नोट दे दो, क्योंकि आप जो है बैंकों के चक्कर कहाँ काटोगे, कैसे जाओगे, मतलब जमा वगैरह कराना है, ज्यादा पैसे हैं तो दे दो, मतलब बहुत सारे जो है माइंड वॉश करके लोगों से ये जो धंधा है उन लोगों ने शुरू कर दिए। इसलिए यहां पे जानकारी देना जरूरी हो गया। तो यहां पे मैंने बात की थी PIB फैक्ट चेक की, तो PIB फैक्ट चेक ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि वीडियो में किया जा रहा दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला नहीं लिया है, इस तरह का कोई भी खबर जो है नहीं है। PIB फैक्ट चेक ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के भ्रामक मैसेज को बिल्कुल भी फॉरवर्ड न करें। अब आपसे मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस तरह के भ्रामक मैसेजेस का शिकार ना हो सके और अपना नुकसान न कर बैठे। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू।